एंट्री गेट। चलिए आप लोग का अंदर का टूर करा का कैंटीन अभी देख लीजिए, हम लोग का कैंटीन है इधर सब। चलिए अंदर जाता हूँ, कहाँ लेके जाएगा जी? कंपनी ले जाएंगे। और ये भाई आप लोग देख सकते हैं, ये है हम लोग का हॉस्टल जिसमें हम लोग रहते हैं अभी सब मिलके। चलिए आप लोग का अंदर का टूर कराता हूँ किस तरह हम लोग का हॉस्टल है। तो चलिए अंदर जाता हूँ, ये हम लोग एंट्री गेट जिसमें हम लोग घुसते हैं। कैंटीन का पानी इधर रखा हुआ है, पानी हम लोग रूम पे लेके जाते हैं खाना बनाने के लिए। और ये हम लोग का कैंटीन है, इधर सब हम लोग खाना खा रहा है और काम पे जाता है। इधर कैंटीन है, ये वाला कैंटीन है। तो चलिए आप लोगों का हॉस्टल का टूर कराता हूँ। ये सिटी है, हम लोग रूम है, हम लोग रूम तरफ भी जाऊँगा और बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह बाहर है। तो ये है बाहर का नज़ारा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, गाँव में तो इस तरह नहीं होता है। और ये हम लोग का रूम का है एंट्री गेट। और देखिए भाई साहब यहाँ पर लिखा है वेलकम, स्वागत है आपका। अंदर जाता हूँ, देखता हूँ मेरा दोस्त अब क्या कर रहा है। हम लोग अभी डे शिफ्ट है, 2 बजे से हम लोग को ड्यूटी जाना पड़ता है। और यहाँ पर ये अभी क्या कर रहा है? रोटी बना रहा है। रोटी किस लिए बना रहा है भाई? पराठा किस लिए बना रहा है भाई? मेरा भी शिफ्ट है, लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाएगा? कंपनी में। कौन से कंपनी में काम करता है भाई? डिलीवरी में काम करता है जी। बीओपीटी इंचार्ज हो तुम? अच्छा सैलरी होगा तुम्हारा तो? सैलरी अच्छा है भाई। कितना दिन से आया यहाँ पर काम करने के लिए? लगभग 3 महीने से। 3 महीने हो गया। खाना तुम अकेले बना रहा है? क्या करो, शादी नहीं हुआ है तो खुद से बनाना पड़ता है। बहुत मजबूरी का लाइफ जीते हो ना इधर? काम ही ऐसा है ना, बाहर की जिंदगी भाई इसी तरह होता है। खाना खुद से बना, खुद से खाओ। और ये सब देखिए, इन लोगों का ही सामान है खाना बनाने का। ये तेल है, ये प्याज है, ये मिर्ची है और ये खाने का कुछ सामान है इधर। अरे लड़का लोगों का भाई जिंदगी इसी तरह है, पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है इधर उधर पूरा एकदम। और ये इसमें लगता है भात है। और ये इन लोगों का सब्जी, ये सब्जी बनाया है कुछ। ये गैस है, इसमें बनेगा परोठा। चलिए जाता हूँ रूम के अंदर, देखता हूँ और कोई बंदा सब है हम लोगों का क्या कर रहा है अभी रूम में। और ये एक बंदा है, नाइट शिफ्ट गया था, वो सो रहा है अभी। देख लीजिए इसका मुंह, ये सो रहा है पूरा भाई। नाइट शिफ्ट गया था, रात 12 बजे से सुबह 7 बजे में आया। और यहाँ पर और एक बंदा रहता है, वो अभी नहीं है, लेकिन आप लोग देख ही सकते हैं लड़का लोगों का हॉस्टल है किस तरह है। पूरा बिखरा हुआ पड़ा है एकदम, कपड़ा वपड़ा इधर उधर। यहाँ पर और एक बंदा रहता है, उनका नाम है सनातन। चलिए उनको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर भी रहता है और एक बंदा। और इधर है हम लोग का सनातन भाई, यहाँ पर अभी देख सकते हैं मुंह धो रहा है। टाइम कितना हुआ भाई? लगभग अभी 12 बजने वाला है। भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए मुंह धो रहा है भाई साहब। क्या कीजिएगा भाई, खाना बनाना पड़ता है ना खुद से, इसलिए टाइम पूरा चला गया ना, इसलिए टाइम पे ये मुंह धो रहा है और वो बना रहा है अभी खाना। और भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अभी।